अक्सर सड़क किनारे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को ये अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। RTI से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइज, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। गाइज, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते, पर सवाल ये है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप लोग भूत प्रेत की बातों को मानते हैं? देखिए गाइस, विज्ञान में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग भूत प्रेत की बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भूत प्रेत की बातों को मानते थे, भूत के होने पर विश्वास रखते थे, और इसके पीछे वो एक साइंटिफिक तर्क भी देते थे। वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि भूत प्रेत हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में एनर्जी कांस्टेंट है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब, जब इंसान मरता है तो उसकी एनर्जी कभी नहीं मरती, तो इससे भूतों का निर्माण हो सकता है। गाइस, क्या आप लोग इससे सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है, और हम लोग खरीद भी रहे, पर आप यह भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची, वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना, पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन। चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था, और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था, और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो आइडिया सोचो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।